दोस्तों आज हम इस वीडियो के माध्यम से डॉक्टर रेकवेस की R17 होम्योपैथिक मेडिसिन के बारे में जानेंगे, लीवर एंड गाल ब्लाडर रोग के बारे में जानेंगे कि यह हमारे लीवर पर किस प्रकार से काम करता है, या जब हम नॉर्मल स्थिति में होते हैं तो बिल्कुल अच्छे से खाना खा लेते हैं, लेकिन जब लीवर में सूजन आता है तो उस समय थोड़ी सी भोजन करने के बाद ही क्या होता है कि ऐसा लगता है कि हमारी पेट जो है बिल्कुल भर चुका है, तो क्या वैसे स्थिति में इस मेडिसिन का प्रयोग करते हैं तो क्या हमारा भूख जो है बिल्कुल फुल कर लगना शुरू हो जाता है। तो दोस्तों और सारी विस्तार से बातें जानने के लिए कि यह ड्रॉप हमारे शरीर पर किस किस रोगों में काम करता है और हम इसे लेकर के कैसे स्वस्थ हो सकते हैं, तो इन सारी बातों को जानने के लिए आप हमारे चैनल पर बने रहें। नमस्कार दोस्तों, मैं डॉक्टर प्रमोद कुमार सिंह आप सभी का मैं अपने चैनल में स्वागत करता हूं। यदि आप हमारे चैनल पर पहली बार आए हैं तो आप हमारे चैनल को सब्सक्राइब जरूर करें और साथ ही बेल आइकन को भी टच कर दें, ताकि जो भी मैं स्वास्थ्य संबंधी वीडियो YouTube पोर्टल पर अपलोड करूं तो उसका नोटिफिकेशन आपको जरूर मिले। तो दोस्तों डॉक्टर रेकवेस की यह R17 होम्योपैथिक जो मेडिसिन है यह हमारे यकृत यानी कि लीवर पर बहुत ही बेस्ट काम करता है। जो हमारे लीवर में सूजन होता है या फिर जब हम भोजन करते हैं तो थोड़ी भोजन के बाद में ऐसा महसूस होता है कि हमारा जो पेट है बिल्कुल ही भर चुका होता है, तो यह ऐसा महसूस होने का वजह है कि हमारे जो लीवर में सूजन होता है और सूजन होने के वजह से जो हम खाना खाते हैं हमारे थोड़े भोजन वहां पर पहुंचने के बाद ही ऐसा महसूस करा देता है कि आपका जो पेट है बिल्कुल भर चुका है। तो या फिर ऐसा भी होता है कि जो हमारे मुंह का जो स्वाद है बिल्कुल ही बिगड़ा बिगड़ा सा होता है, या फिर कंस्टिपेशन हो जाता है, या फिर जो हमारा मुंह का स्वाद है बिल्कुल ही बेस्वाद, यानी जो भी हम खाना खाते हैं उसका हमें स्वाद तक पता नहीं चलता है। तो इन सारी रोगों पर हम यह जो डॉक्टर रेकवेस की R17 होम्योपैथिक मेडिसिन है यानी कि लीवर गार्ड ब्लडर ड्रॉप के माध्यम से ठीक कर सकते हैं। तो पहले हम लोग यह जान लेते हैं कि इस मेडिसिन में कौन कौन सी मेडिसिन डाल करके इसको तैयार किया गया है। तो सबसे पहला मेडिसिन है कार्डुअस मैरियनस, इसके बाद में है चेलिडोनियम, इसके बाद कोलेस्ट्रिनम, इसके बाद कोलोसिन, लाइकोपोडियम, नक्स भूमिका और चाइना। इन सारी दवाओं का मिक्सचर करके एक ड्रॉप के रूप में तैयार किया गया है जिसका नाम रखा गया है लीवर एंड गाल ब्लडर ड्रॉप। अब हम लोग बारी बारी से इसमें जो मिश्रित दवा है सबका फंक्शन के बारे में जान लेता है कि इसका हमारे शरीर पर क्या असर होता है और यह किस प्रकार से काम करता है। तो जो कार्डुअस मैरियनस होम्योपैथिक मेडिसिन है इसमें लीवर में बहुत ही पीड़ाजुक्त सूजन आ जाता है, यानी कि जब सूजन आता है तो तेज दर्द हमारे लीवर में होता है और साथ ही पीलिया पित्त संबंधी जब पथरी भी हो जाता है और जो हमारे पित्त नली है उसमें भी बहुत तेज दर्द होता है, तो हम कार्डुअस मैरियनस होम्योपैथिक मेडिसिन का प्रयोग करते हैं तो पित्त पथरी के साथ साथ पित्त नली की सूजन के साथ साथ पित्त पथरी भी खत्म हो जाता है और लीवर भी हमारा सामान्य हो जाता है। अब हम लोग चेलिडोनियम के बारे में जान लेते हैं। तो जो चेलिडोनियम होम्योपैथिक मेडिसिन है यह पित्तवाही नली पर दबाव की अनुभूति के साथ लीवर में सूजन जो दाएं कंधे से लेकर के निचली बाई पंजरे तक दर्द महसूस होता है और साथ ही इसमें भी लीवर में सूजन हो जाता है और साथ ही जब
हम मेडिसिन का प्रयोग करते हैं तो बिल्कुल ही यह ठीक हो जाता है। तो वैसे स्थिति में भी यह जो ड्रॉप है बहुत बेस्ट काम करता है। अगला मेडिसिन है कोलेस्ट्रिनम। तो कोलेस्ट्रिनम का काम है कि जब लीवर हमारा बढ़ा हुआ रहता है तो वैसे स्थिति में पित्ताशय में पथरी बनना शुरू होता है, और जब हमें यह पता चलता है कि पित्ताशय में पथरी बनना शुरू हो गया है तब हम यदि कोलेस्ट्रिनम होम्योपैथी का प्रयोग करते हैं तो लीवर के सूजन के साथ साथ जो पित्ताशय में पथरी बनना शुरू होता है वह भी बिल्कुल खत्म हो जाता है। अगला मेडिसिन है कोलोसिंथ। तो कोलोसिंथ का लक्षण यह है कि हमारी पेट में बहुत जोड़ों का मरोड़ों के साथ दर्द होता है। जब हल्का कपड़ा भी टच होता है तो वहां से भी हमारी सहन से वह बाहर हो जाता है, वैसे दर्द को भी हम बर्दाश्त नहीं कर पाते हैं। या फिर जब हम कठोर दबाव डालते हैं तो उस स्थिति में जो यह दर्द है बिल्कुल ही इसमें हमें राहत मिलता है, या दर्द से राहत पाने के लिए जो रोगी है इस प्रकार से पेट पर हाथ रख करके और इस तरह से आगे की तरफ झुक जाता है, इससे उसे बिल्कुल ही आराम मिलता है। तो वह मेडिसिन भी इस गाल ब्लडर ड्रॉप में डाला गया है। अगला मेडिसिन है लाइकोपोडियम। तो लाइकोपोडियम का लक्षण यह है कि यह बिल्कुल ही पेट में हवा भरा रहता है, यानी कि गैस भरा रहता है, अफरा हुआ रहता है, और जो मुंह का स्वाद है बिल्कुल ही काढ़ा काढ़ा रहता है, और शरीर से निकलने वाला जो श्राव है उसमें बहुत ही खराब गंध रहता है। साथ ही जो लाइकोपोडियम का मरीज है उसको कॉन्स्टिपेशन यानी कब्ज भी रहता है, तो वह दवा भी इस मेडिसिन में मिला हुआ है। अगला मेडिसिन है नक्षभूमिका। तो नक्षभूमिका का लक्षण यह है कि लीवर में सिकुड़न के साथ साथ रक्त संचयी होता रहता है, और जो नक्षभूमिका रोगी है उसे ऐसा लगता है कि जो मन है शरीर है मचलाता रहता है, बुझा रहता मितलाता रहता है, ऐसा लगता है उन्हें कि अभी हमें उल्टी होने वाला है, और साथ ही वह तंबाकू और शराब खाने के आदि भी होते हैं। तो वैसे स्थिति में जो यह नक्षभूम होम्योपैथिक मेडिसिन है यह बहुत ही बेस्ट काम करता है, तो वह भी इस ड्रॉप में डाला हुआ है। तो दोस्तों आप लोग बिल्कुल समझ गए होंगे कि यह जो ड्रॉप है डॉक्टर रेकविज के द्वारा तैयार किया गया है लिवर एंड गाल ब्लडर ड्रॉप के नाम से, यह हमारे लीवर पर बहुत ही अच्छा फंक्शन करता है, और यह घर में रखने योग्य है। कभी कभार आपके पेट में गैस बनता है और मरोड़ का दर्द होता है, या कुछ खाने के बाद यदि आपका पेट बिल्कुल फूल जाता है, तो वैसे स्थिति में यदि कुछ बूंदे इस मेडिसिन का लेते हैं तो वैसे स्थिति में आपको बहुत ही रिलीफ मिलता है, और जो गैस है यह मेडिसिन रिलीज कर देता है। अब हम इसकी डोज के बारे में जान लेते हैं कि इसकी मेडिसिन का डोज क्या है। तो खाना खाने से 30 मिनट पूर्व 10 बूंद हम लोग सुषुम पानी के साथ प्रयोग करेंगे। 1 कप पानी लेंगे, 10 बूंद डाल देंगे, या जब रोग तेजी में हो तो 10 बूंद के अलावा हम लोग 15 बूंद भी इस मेडिसिन का प्रयोग कर सकते हैं, और जब हमें बिल्कुल रिलीफ मिलना शुरू हो जाए तो हम मेडिसिन लेना बिल्कुल बंद कर देंगे। वैसे भी लोग हैं कि जिसको लीवर में बहुत ज्यादा समय तक या बहुत पहले से सूजन बना हुआ है और थोड़ी देर के लिए राहत मिलता है फिर वहां पर सूजन बन जाता है, तो पहले उनको अपने पेट पर ध्यान देना होगा, वैसे भोजन लेना होगा ताकि उनके पेट में गैस ना बन पाए,
साथ ही जो भी खाए वह हजम हो जाए, बाजार वाली वस्तु का प्रयोग न करें और इस मेडिसिन का कुछ लंबे समय तक यानी कि 2 से 3 महीना तक लगातार सेवन करें तो वह बिल्कुल ही ठीक हो सकते हैं। अब परहेज क्या करना है? परहेज में यह है कि जब भी आप इस मेडिसिन का प्रयोग करते हैं तो नशा करने का आदि है तो यह बिल्कुल ही परहेज करें। साथ ही यदि नशे का प्रयोग नहीं करते हैं तो यह मेडिसिन आपको बहुत जल्दी ही रिलीफ रहता है। तो दोस्तों मैं ऐसा करता हूं कि डॉक्टर रिक्वेस्ट की R70 होम्योपैथिक मेडिसिन के बारे में हम आप सभी को बहुत अच्छे से बता पाया हूं। तो यदि यह आपको वीडियो बहुत ही हेल्पफुल साबित हो रहा है तो हमें कमेंट बॉक्स के माध्यम से जरूर बताना। तो दोस्तों ऐसे ही स्वास्थ्य भरी वीडियो के साथ हम आपसे फिर मिलेंगे, तब तक के लिए धन्यवाद।